हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, सी नेट का जो एग्जाम हुआ है, उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट की ये कमेंट आ रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं, 100 आए, 70 आए हैं, या फिर इससे मतलब 100 के ऊपर आए, तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, तो ये सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी आज आप लोगों के। फ्रेंड्स, मैं कोई मतलब एक ना प्रीवियस ईयर का अनुमान लगा के आप लोगों के साथ ये टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना रिजल्ट तो देख ही चुके होंगे, आप लोगों को पता होगा कि हमारी कितनी रैंक है, कितनी नहीं रैंक है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक का नंबर बता सकते हैं, तो इससे मुझे और भी अनुमान लगेगा किस हिसाब से कट ऑफ जाएगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहती है। अभी आप लोग बीएससी नर्सिंग में जब एडमिशन ले लेंगे तो आप लोगों का जो भी आगे का प्रोसेस चलता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है टाइम टू टाइम। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग रिजल्ट देख चुके होंगे, तो क्या होता है ये सभी को पता होगा, मैं क्या बताऊँ कि देखिए अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो अब एक न्यू यूनिवर्सिटी, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए 2 साल से ये अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रही है, 2 साल से अपना ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रही है, बट क्या हुआ अब की बार इसका थोड़ा चेंज हो गया। पहले ये सीटी एग्ज़ाम कराती थी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अब की इसने नाम चेंज कर दिया सी नेट कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या आ जाएगी, कितने नंबर पे आप लोगों को गवर्नमेंट मिलेगा, कितने नंबर पे प्राइवेट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी स्पेशल कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिएगा, कोई भी लखनऊ का कॉलेज है कि कोई भी कॉलेज है प्राइवेट गवर्नमेंट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो एक डिटेल में बना दूंगी, क्योंकि मैं अब आप लोगों के साथ कॉलेज के बारे में भी डिस्कस कर लूँगी कि आप अगर आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी होंगी, क्या क्या मतलब आप लोगों को फैसिलिटी मिलेंगी, कैसा क्या एनवायरनमेंट रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक पे वीडियो। देखिए, इसमें अटल बिहारी यूनिवर्सिटी क्या कराती है, अभी आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। सो काउंसलिंग भी आप लोगों की थोड़े ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट जो डिक्लेयर हो गया 4-5 दिन में काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग के पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी तो आप लोगों को काउंसलिंग कराने में ईजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या होता है कि जो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी है वो 100 नंबर, देखिए ये आप लोगों को मतलब कि पहले प्रीवियस ईयर में यही हुआ था, वो आई होप इस बार भी यही होगा, 2 साल से यही हो रहा है कि अटल बिहारी यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराती है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग कराती है उसमें 50% मार्क्स अवेलेबल मानती है। अगर आप लोगों की 50% मार्क्स नहीं है तो आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोगों के 200 में 100 नंबर आना कंपलसरी है, तभी आप लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये क्लियर हो गया, अगर आप लोगों के 100 से नीचे मार्क्स हैं तो आप लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए प्रीवियस 2 साल से यही हो रहा है, 2 साल से यही हो रहा है कि 100 नंबर के नीचे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट बच्चे नहीं करते। देखिए आप लोग भी दुखी मत होइएगा, क्योंकि देखिए और भी मैं आगे बताने वाली हूँ, जो 100 नंबर से नीचे होते 70 to 100, ठीक है, इतने नंबर वाले जो मार्क्स होते हैं वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में हुआ था, 70 to 100 नंबर जिसके होते हैं वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल होते हैं। फ्रेंड्स, परेशान मत होइएगा, अभी थोड़े दिन में नोटिस भी डिक्लेयर हो जाएगी, तो यही होगा, मुझे 100% विश्वास है। बट आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप लोग प्रीवियस ईयर के वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर तमाम सारे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि 100 नंबर जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था तभी वहाँ उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर का किया था तो उसमें ही लिखा था कि काउंसलिंग के एलिजिबल जो होते हैं वो 100 नंबर वाले बच्चे ही एलिजिबल होंगे, यानी कि 50% मार्क्स आना कंपलसरी है, ठीक है। फ्रेंड्स, तो इतना अब मैं बात करूँगी कितने में गवर्नमेंट मिल जाएगा, कितने में प्राइवेट मिल जाएगा। अब आप लोग ये ना सोचिएगा कि अगर 100 नंबर नहीं आए हैं तो हमें अच्छा गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, अच्छा प्राइवेट नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये काउंसलिंग
पे डिपेंड करता है कि काउंसलिंग वो लोग इसलिए कराते हैं जो 100 वाले बच्चे हैं, 100 मार्क्स इनके आए हैं तो उन्हें पहले ले लिया जाए। अब देखिए काउंसलिंग कराते टाइम आप लोग इतना ध्यान रखिए, पहले मैं 100 से जिनके अपर मार्क्स हैं 100 हैं तो उनकी पहले बात कर लेती हूँ। फ्रेंड्स क्या होता है कि जो आप लोग कैसे काउंसलिंग कराएं, मैं आप लोगों को पहले ये बता दूँ कि आप लोग क्या करिएगा। सबसे पहले आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज फिल करिएगा, फिर आप लोग प्राइवेट भी फिल करिएगा, ठीक है। प्राइवेट तो ऐसा क्या होगा कि अगर आप लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में यही ना कीजिएगा कि अगर आप लोग 120, 110, 130 तो आप लोग सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिल करिएगा, आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मिल जाएगा। लेकिन काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा और भी अलग है तो मैं वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बता दूँ कि जनरल, OBC एंड SC ST का मैं बात बताऊंगी। तो जनरल OBC SC के लिए कितना मार्क्स जो है कंपलसरी है अगर आप लोगों को गवर्नमेंट चाहिए। देखिए गवर्नमेंट की ही बात कर रही हूँ, प्राइवेट तो सबको ही मिलेगा, नहीं मिलेगा अच्छा नहीं मिलेगा तो मतलब अगर जाना अच्छा नहीं मिलेगा तो लोकल में तो मिल ही जाएगा, प्राइवेट तो सबको ही मिलेगा। आप लोग ये बिल्कुल डोंट वरी रहेगा कि कोई भी कि प्राइवेट नहीं मिलेगा, प्राइवेट सबको मिलेगा, प्राइवेट में सीटें तो खाली रह जाती है तो प्राइवेट सबको मिलेगा। तो जनरल की मैं बात करूँ, जनरल देखिए कट ऑफ थोड़ी आपकी हाई गई है, बच्चों के 110 मार्क्स आए हैं तो उनकी 4,000-5,000 रैंक पहुंच गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि उससे पहले 5,000 बच्चे हैं तो इतनी कहाँ सीटें अवेलेबल हैं गवर्नमेंट में। तो मैं बता दूं जनरल में आप लोगों के 132-150 अगर नंबर आए हैं, 132-150 नंबर आए हैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट मिलने का चांस है। मैं ये बहुत ही लोअर बता रही हूँ कि अगर आप लोगों की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को गवर्नमेंट मिल जाएगा। अब कोशिश कैसे करेंगे वो आप लोग काउंसलिंग पर डिपेंड करते हैं, कैसे काउंसलिंग कराएं मतलब आप लोग करा सकते हैं। तो आप लोग चैनल को फॉलो करते गए, काउंसलिंग करने का क्राइटेरिया मैं बताऊंगी कि काउंसलिंग कैसे कराएं जो आप लोगों की गवर्नमेंट सीट बिल्कुल ना छूटे, ठीक है। तो OBC में क्या है, OBC में फ्रेंड्स इसमें 150-160 तक बच्चे, 160-170 तक अगर आप लोगों के मार्क्स आए समझ ना तो आप लोगों को गवर्नमेंट मिलेगा। और OBC में अगर आप लोगों के 132-150 हैं, ठीक है, और इसमें मैंने 170 बताया था जनरल में क्योंकि इसमें बहुत कट ऑफ हाई गई है। मैं रैंक के अकॉर्डिंग बता दूं, अगर रैंक अगर आप लोग रैंक के अकॉर्डिंग बता दूं, अगर जनरल है तो जनरल में अगर आप लोगों की 5,000 तक रैंक आएंगे समझ लो ना, 5,000 या 4,000 तक रैंक आइए तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जनरल में गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए मैं 4,000 रैंक तक अगर आप लोगों के रैंक आइए तो आप लोगों को गवर्नमेंट मिल जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारे हैं। एंड अगर वो OBC में अगर आप लोगों की 3,000-3,500 आइए तो आप लोगों को गवर्नमेंट मिल जाएगा। रैंक से बताएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड प्राइवेट और SC में अगर आपको बता दूँ, अगर आप लोगों की थोड़ा गड़बड़ हो गया बिकॉज मैं ना उल्टे से बताने लगी हूँ क्योंकि SC और जनरल में तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो फ्रेंड्स ये थोड़ा गड़बड़ हो गया तो प्लीज़ के लिए मैं सॉरी चाहूँगी। तो क्या होता है कि मैंने आप लोगों को नंबर के अकॉर्डिंग बता रही, तो नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं अगर SC में है तो SC में आप लोगों की 6,000 तक रैंक आएगी एंड तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये SC के लिए है, SC के लिए अगर 6,000, SC के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ही डिमांड होती है, अगर आप लोग 6,000 तक है तो आप लोगों को गवर्नमेंट मिल जाएगा। और जनरल के लिए अगर आप लोगों की 2,000 से 2,500 तक है तब आप लोगों को गवर्नमेंट की सीट मिलेगी। एंड OBC की अगर 3,500 तक है, 3,500 तक है तब आप लोगों को मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। फिर इतना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के जनरल में 2,500-2,500 तक है तो आप लोगों को मिलेगा, OBC में 3,500 तक है एंड SC में अगर आप लोगों के 6,000 तक है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज आप लोग काउंसलिंग में फ्रेंड्स अगर आप लोगों को गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो अभी आप लोगों की चाहत में है, आप लोगों का ड्रीम है प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। एंड आप लोग फीस की बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा क्योंकि फीस का क्या होता है कि अगर आप सोचते हैं कि थोड़े से मतलब कि थोड़े लोकल एरिया में अगर ले लेंगे प्राइवेट कॉलेज तो उसमें फीस कम पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, फीस सब में बराबर पड़ जाती है। अब तो अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम फीस है वो सब में इक्वल है, 12,000 एग्ज़ाम फीस है और
तो फ्रेंड्स थोड़ी बीएससी नर्सिंग की फीस बढ़ रही है, लेकिन सब में इक्वल है, थोड़ा बहुत गैप है, तो आप लोग अच्छे से प्राइवेट कॉलेज लीजिएगा एंड सबसे पहले फोकस कीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों का और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में हर एक चीज़ पर डिस्कस करूँगी, काउंसलिंग एंड रैंक। तो आप लोगों को अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।